सुनील गावस्कर के अनुष्का शर्मा पर कमेंट से सोशल मीडिया पर भड़के विराट कोहली के फैंस, कर डाली कमेंट्री से हटाने की मांग। पंजाब के साथ हार के बाद विराट कोहली को लगा बड़ा झटका, मिली ये सजा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मैच में कमेंट्री करते हुए सुनील गावस्कर ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे लेकर बवाल मच गया है। उन्हें सोशल मीडिया पर लोग काफी भला बुरा कह रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान की यह टिप्पणी विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को लेकर थी। इसके कारण उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 24 सितंबर 2020 को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली बिल्कुल लय में नहीं दिखे। पहले उन्होंने फील्डिंग करते हुए केएल राहुल के दो कैच छोड़ दिए, बाद में बल्लेबाजी में भी वो सफल नहीं हुए। वो सिर्फ एक रन बनाकर शेल्डन कोटरेल की गेंद पर पवेलियन लौट गए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पूरी टीम 17 ओवर में 109 रन पर पवेलियन लौट गई और किंग्स इलेवन पंजाब ने मैच अपने नाम कर लिया। कोहली जब आउट होकर डगआउट की ओर बढ़ रहे थे तभी गावस्कर ने एक विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, इन्होंने लॉकडाउन में तो बस अनुष्का की गेंदों की प्रैक्टिस की है। उनकी यह टिप्पणी सुन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के फैंस भड़क गए। उन्होंने सुनील गावस्कर को ट्विटर पर काफी खरी खोटी सुनाई। कुछ फैंस ने तो उन्हें कमेंट्री पैनल से हटाने तक की मांग कर डाली। एक फैन ने लिखा कि विराट कोहली के फैन होने पर इस मामले में उनकी वाइफ को नहीं घसीटना चाहिए। अनुष्का शर्मा को पहले भी इन चीजों के लिए सालों तक निशाना बनाया गया। एक यूजर ने लिखा, यह शर्मनाक है कि सुनील गावस्कर ने विराट और अनुष्का के निजी जीवन के बारे में कुछ कहा। एक खिलाड़ी के पास हमेशा अच्छे दिन और बुरे दिन होते हैं और कल सिर्फ एक बुरा दिन था, जो जाहिर तौर पर किसी को भी किसी खिलाड़ी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली को पंजाब से मैच हारने के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में मुझे पेटीएम फर्स्ट नाम का एक बहुत शानदार ऐप के बारे में पता चला है। दोस्तों, इस ऐप में आप आईपीएल के दौरान फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको ₹50 का बोनस भी मिलेगा। आपको यह भी बता दें कि क्रिकेट गॉड यानी कि सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एंबेसडर हैं, तो यह ऐप सेफ एंड ट्रस्टवर्दी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक उनकी ऐड नहीं देखी है तो देख लो, क्योंकि ये ऐड में सचिन तेंदुलकर की रियल स्टोरी बताई गई है, जब उनके कोच ने उन्हें थप्पड़ मारा था और एक डिसीजन ने उनकी लाइफ कैसे बदल दी थी। दोस्तों, इस पे खेलना बहुत आसान है। इसमें आपको दोनों टीम में से 11 खिलाड़ी चुनने हैं और अपनी खुद की एक टीम बनानी है। जैसे कि आप केकेआर वर्सेस एसआरएच की मैच के लिए मेरी टीम देख सकते हैं। फिर आप केकेआर वर्सेस एसआरएच मेगा लीग ज्वाइन करें, जहां आप 1 करोड़ तक जीत सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से इसे डाउनलोड करें और पैसे कमाएं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, पंजाब के खिलाफ हार के बाद विराट कोहली काफी ज्यादा निराश हैं और इसी निराशा के बीच उन्हें मैच के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में नाकाम रहे विराट कोहली पर स्लो ओवर रेट के कारण आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत करीब 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। india.com की रिपोर्ट के अनुसार आरसीबी के कप्तान विराट कोहली अपने गेंदबाजों से तय समय पर पूरे ओवर नहीं करवा सके। ऐसे में नियमों के हिसाब से उन्हें स्लो ओवर रेट के तहत दोषी पाया गया और उन पर 12 लाख रुपए की बड़ी राशि का जुर्माना लगा है। दोस्तों, आपके हिसाब से इस साल आईपीएल कौन जीतेगा? इस पर कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ऐसी ही आईपीएल के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।